डॉक्टर पात्रा जी, इफ्रा जान की दलील है कि आपका जो वहां कश्मीर का सर्कुलर निकला है उसमें लिखा है कि डिजिटल एविडेंस होगा, सीसीटीवी की फुटेज चेक की जाएगी और इसमें यह भी देखा जाएगा कि वीडियोस में क्या तथ्य हैं, पर इनसे कम से कम नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी कन्विंस नहीं है। उनका ये कहना है कि कोर्ट से जब तक ऑर्डर ना आए आप ऐसा स्टेप नहीं ले सकते हैं, लेकिन पासपोर्ट के मामले में किसी के खिलाफ अगर कोई पेंडिंग क्रिमिनल केस है तो पासपोर्ट ना देना बाकी देश में भी अप्लाई होता है, तो ये कश्मीर में क्यों नहीं है अप्लाई होना चाहिए? नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की इस पर क्या टिप्पणी है, इस पर आप क्या कहेंगे डॉक्टर संबित पात्रा? नाविका जी, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करूंगा और टाइम्स नाउ नव भारत, ये आपका जो नया पहल आरंभ हुआ है ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहल है, उसके लिए आपके व्यूअर्स को भी बहुत बहुत अभिनंदन। और नाविका जी, जिस विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं ये बहुत गंभीर विषय है। मैं पहले तो जम्मू कश्मीर के निवासियों को और पूरे हिंदुस्तान के निवासियों को बहुत बधाई देना चाहूँगा कि ये कोई छोटा विषय नहीं है। अनेकों वर्षों से जो हम सोच रहे थे कि वो लोग जो पत्थरबाजी करते थे, और किस पे पत्थरबाजी करते थे, हमारे जवानों के ऊपर, हमारे आर्मी के लोगों के ऊपर, ये लोग जो पत्थरबाजी करते थे, ये लोग जो अलगाववाद को बढ़ावा देते थे, जिनको हम एंटी नेशनल कहते थे और वो एंटी नेशनल भी है, जिनको इंडिया के आर्मी के चीफ ने बहुत सही तरीके से कहा था दे आर ओवर ग्राउंड सपोर्टर्स ऑफ टेररिज्म, ये अगर देखा जाए तो आतंकवादियों को समर्थन करने वाले ओवर ग्राउंड टेररिस्ट हैं, तो स्वाभाविक रूप से उन आतंकवादियों को जो आतंकवादियों का समर्थन करते हैं, अगर उनको पासपोर्ट नहीं मिलता है, सीआईडी उनके खिलाफ मुहिम चलाती है, उनको सरकारी नौकरी नहीं मिलती है और ये एक कोट अनकोट डिटरेंस के रूप में एक्ट करता है, तो ये देश के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। हमारे आने वाली पीढ़ियों में भी कहीं ना कहीं एक महत्व रहेगा कि हमें देश के खिलाफ काम नहीं करना है। दूसरी बात, देखिए जहां तक एनसी या पीडीपी का विषय हो या कांग्रेस भी बहुत बाय एंड लार्ज वैली में, वो हमारी बात से सहमत नहीं होंगे। एक बुनियादी फर्क है, वो एक जमाना था, आप याद करिए, कांग्रेस के समय, एनसी के रूल के समय, पीडीपी के समय, जब ये जो अलगाववादी थे, जो सेपरेटिस्ट थे, उनका महिमा मंडन होता था। आप याद करिए उस तस्वीर को जिसमें अलगाववादी मनमोहन सिंह के साथ खड़े होते थे और गले में हाथ डालकर फोटो खींचा जाता था। जब बाहर से कोई राष्ट्राध्यक्ष आता था तो पहले अलगाववादी से मिलता था, उसके बाद वहां के चीफ मिनिस्टर या हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर से मिलता था। तो ये कहीं ना कहीं ये जो महिमा मंडन अलगाववादियों का होता था वो नरेंद्र मोदी जी ने समाप्त कर दिया है। आर्टिकल 370 के बाद आतंकवाद में भी कमी आई है, पत्थरबाजी में भी कमी आई है, वहां के युवक अब नौकरी कर रहे हैं, महिलाओं को उनका अधिकार मिल रहा है, दलितों को उनका अधिकार मिल रहा है।